वही नहीं, मैं जानती हूँ आप सही से नाराज हैं, मैं आपका गुस्सा समझ सकती हूँ। अगर तू चिकनी चुपड़ी बातों से अपनी बहू की तरफदारी करने आई है तो अब भी वापस जा। ऐसा ना हो कि मैं उसका गुस्सा तुझ पर उतारूं। मुझे पता है वहीनी, आप ऐसा कभी नहीं करेंगे। आप इस घर की मुखिया हैं, आपने आज तक कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की है। जिसकी गलती है आपने उसी को सजा दी है। लेकिन मैं यहाँ सही की बात करने आई नहीं हूँ, वो जो साड़ी पसंद की है आपके लिए वो दिखाने आई हूँ। देखिए तो। हाँ वहीनी, मस्त मस्त, तेरी पसंद को तो मानना पड़ेगा। वहीनी ये साड़ी मैंने आपके लिए पसंद नहीं की है, सई ने पसंद की है। वहीनी वहीनी, प्लीज प्लीज, अब जिसकी गलती है उसे सजा मिलनी चाहिए। तो फिर उसी की पसंद को तारीफ भी तो मिलनी चाहिए ना। उसकी बात मेरे सामने मत कर, वो अपने कमरे में रो रही है वहीनी, तो रोने दो। कब तक उसकी गलतियों को नजरअंदाज करते रहेंगे हम? क्या गलत किया मैंने? मैं खुश थी तो आपको गले लगा लिया, इसमें इतनी भी क्या बड़ी बात हो गई? गलत तो किया है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा गलत किया है तुमने। अरे मेरी बेस्ट फ्रेंड को इतना अच्छा फरार बनाना आता है और मुझे अभी तक पता नहीं, कभी बताया नहीं गया मुझे। जब सब सो रहे थे तब उसने सुबह जल्दी जल्दी उठकर इतनी मेहनत की और तुम यहाँ बैठकर रो रही हो। अरे ये ट्राई करके देखो, बहुत मजा आएगा। अरे शंकरपाड़ी की ये बरसों पुरानी परंपरा जो है ये भी जिंदा रखी है उसने, वरना आजकल लोग ये सब बनाने में मानते कहाँ हैं, सब कुछ बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। लेकिन मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं, बिल्कुल नहीं, अपने बेस्ट फ्रेंड की बात कर रहा हूँ, उसने सब कुछ अपने हाथों से बनाया है। ट्राई करो ना एक बार प्लीज, वन टाइम। ये भी तुमने इतना कुछ किया, इसके बाद भी काकू तुमसे नाराज है? मैं जानती हूँ आप सही से नाराज है, लेकिन मैं आपका ध्यान सही की उन बातों पर लाना चाहती हूँ जो उसने जाते जाते कही थी। याद है आपको उसने जाते जाते क्या कहा था? मैं क्या उसकी बात लिखती बैठी थी कि उसने ये कहा, बाद में ये कहा, फिर जाते जाते ये कहा? कोई बात नहीं, मैं आपको याद दिलाती हूँ। सही ने जाते जाते ये कहा था कि आप इस माहौल में घर का वारिस चाहती है, तो मैं उस जंगली मुर्गे की वजह से अपने घर का माहौल बदलूं? नहीं, आपको कुछ बदलने की जरूरत नहीं है वहीनी, बल्कि वो मुर्गी बदल रही है, इसलिए तो उसने खुद इस घर के बारिश के आने की बात की, इस घर के चिराग को इस दुनिया में लाने की बात की। हाँ, इस बात पर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। वही तो वहीनी, सही इसी बात को लेकर तो सबके साथ झगड़ा कर रही थी कि उसका और विराट का एक साथ रहना गलत नहीं है, इसीलिए तो उसने ये घर के वारिस की बात कही ना, उसके मन में तो ये आ गई ना बात। हालांकि उन दोनों ने एक दोस्त की हैसियत से एक दूसरे को गले लगाया था, इससे ये पता चलता है ना कि सही और विराट एक पति पत्नी की हैसियत से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। लेकिन वो दोनों एक दूसरे को पति पत्नी मान नहीं रहे हैं, लेकिन इस बात से ये तो पता चल रहा है ना कि दोनों को अलग अलग कमरे में रखने का फैसला सही साबित हुआ है। जितना दूर रखा उतना पास आ गए वहीनी। मैंने सोचा नहीं था कहूंगी, लेकिन लगता है तेरा फैसला सही था। बहुत बहुत धन्यवाद वहीनी, बहुत बहुत धन्यवाद, इसीलिए तो मैं आपके पास बस एक ही बिंदी लेकर आई हूँ वहीनी। क्यों ना हम सही और विराट को कुछ दिन और एक दूसरे से दूर रखें। तुम जिस तरह से जवान निवास के ओल्डीज की बातें सुनकर
अपने मन की शांति को भंग कर लेती हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही गलत कर रही हो अपने साथ? अरे एक बूंद आंसू की कीमत तुम क्या जानो सई बाबू? ए सई, आई हेट टीयर्स रे। देखो ना, वो सब क्या था, क्या जरूरत थी? एक तो काकू ने वैसे खानदान के वारिस की बात कह के चीजें वैसी ऑकवर्ड कर दी है। मतलब इन सब चीजों में बस इस बघेड़े की कमी थी, तो वो भी पूरी कर दी। आप ठीक कह रहे थे, फ्रेंडली हग ही किया था मैंने आपको, मैं खुश थी तो हग कर लिए, क्या हो गया? और ऊपर से उन्होंने क्या फरमान जारी किया है कि दिवाली के बाद हम दोनों को एक ही कमरे में रहना है, मुझे आपके कमरे में शिफ्ट हो जाना है। क्योंकि ना आपस में खुद की सोच ही नहीं मिल रही है। सही, हमारे जो बड़े हैं घर के, मतलब हमसे एक जनरेशन पहले के जो लोग हैं, इनकी अपनी एक सोच है, अपना हर कुछ करने का एक तरीका है उनका। अगर उनके हिसाब से हुआ तो सही है, उनके हिसाब से नहीं हुआ तो वो गलत है। अब रातों रात तो हम ये बरसों पुरानी सोच को बदल नहीं सकते ना। अगर हम बहुत कोशिश करेंगे तो उनको लगेगा कि हम उनके दुश्मन हैं। समझ रही हो ना क्या कह रहा हूँ? उनको लगेगा कि हम उन पर अटैक कर रहे हैं। बड़े कभी भी ना अपने छोटों से सीख नहीं लेना चाहते हैं। अरे लेकिन ये तो गलत है ना, छोटे अगर बड़ों से सीख नहीं लेंगे तो फिर किससे लेंगे? छोटों को बड़ों से ही तो उम्मीदें होती हैं, उनसे उम्मीद नहीं करोगे तो किससे करोगे? ऐसा जरूरी नहीं है, बड़े भी छोटों से सीख ले सकते हैं। जैसे मैंने तुमसे कितनी बार सीखा है। अच्छा, आपने मुझसे क्या सीखा है बताओ? मैंने तुमसे ये सीखा है सही, कि जब कुछ गलत हो रहा हो ना, तो सिर्फ उसके खिलाफ आवाज नहीं उठानी चाहिए, उसे सही करने की भी कोशिश करनी चाहिए। जैसे तुमने देवीताई के लिए किया, मेरे आई बाबा के लिए किया, और मैंने तुमसे ये भी सीखा है कि किसी को कैसे स्पेशल फील करवाते हैं। तुम सबको सरप्राइज देती हो, गिफ्ट्स देती हो, टेरेस टी पार्टी भी ऑर्गेनाइज करती हो, वो भी सीख लिया मैंने, सब सीख लिया। सही, अक्सर लोग हर उस चीज के खिलाफ हो जाते हैं जो उनके समझ के परे हो, और तुम्हें पता है ना, दूसरों की शुरू की हुई हर जंग के बीच में तुम्हें कूदने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ऐसे चुपचाप सब कुछ नहीं सुन सकती। मैं जानता हूँ ना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि तुम इसके बारे में कुछ करो और हर किसी की बात का बुरा ना लगे, तुम्हें दुखी ना हो जाओ। तेरा एक फैसला मैंने सही क्या कह दिया? इस बात का गलत फायदा उठाने की मत सोच। मेरा फैसला पत्थर पर खींची लकीर की तरह है, एक बार खींच गई तो खींच गई। कभी कभी बड़े जैसा चाहते हैं हमें वैसा कर लेना चाहिए, उससे वो खुश हो जाते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? बाद में हमें जैसा करना है हम वैसा कर सकते हैं, और वैसे भी बड़े हमारे लिए कुछ बुरा तो नहीं चाहेंगे ना। आपके कहने का क्या मतलब है कि शिफ्टिंग वाली बात जो काकू ने कही वो गलत नहीं है? मैं वैसा नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी बात है हम आपस में बात करके हैंडल कर सकते हैं। बात बात में बड़ों के साथ झगड़ने से हमें क्या मिलेगा, फ्री की टेंशन। बात तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब हमारी ड्राइविंग क्लास का क्या? फर्स्ट डे क्लास शुरू होते ही स्कूल बंद। ऐसा कैसे बोल सकती हो तुम, स्कूल बंद होगी? अच्छा एक बात बताओ, आज के हमने कुछ भी गलत किया है तो फिर तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? सही, जब भी हम फ्री रहेंगे हम हमारी ड्राइविंग लाइसेंस और क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू विराट सर। फिर से? ओह सॉरी, लेकिन थैंक यू, आपने मेरी विश पूरी की, आप नहीं जानते मैं कितनी खुश हूँ। आबा, आबा,
देख रहे हैं ना, आपको दिए हुए वादे के साथ साथ ये आपके दिए हुए वादे निभाने लगे। आपने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि नागपुर शिफ्ट होते ही आप मुझे ड्राइविंग सिखाएंगे। इन्होंने आपका वादा पूरा कर दिया। कमल सर, ये जो मिर्ची है ना, मेरा मतलब है आपकी बेटी, ये मानती है कि मैं सोसो ड्राइवर हूं। बताओ ना इसे, आप ही ने मुझे ड्राइविंग सिखाई है और मैं सोसो नहीं, सौ सौ की स्पीड पे गाड़ी भगाता हूँ। बताओ ना इसे। अरे आपने नोटिस किया, आबा ने आपको ड्राइविंग सिखाई और आपने मुझे ड्राइविंग सिखाई, तो इनडायरेक्टली आबा ने मुझे ड्राइविंग सिखाई। क्या बात है आबा, गुड जॉब। तुम्हारे आबा यहाँ नहीं है लेकिन फिर भी अपना प्रॉमिस पूरा कर रहे हैं। He was always a man of his words. That's the he was.